नेक्स्ट अब हमारे पास ओलेक्ट्रिनॉन फ्रैक्चर है। ये भी हमारे पास कब होता है, जब भी आप आउटस्ट्रेच हैंड के ऊपर फॉल करते हैं। जितने भी आपने पीछे फ्रैक्चर्स पड़े हैं, चाहे वो ओलेक्ट्रिनॉन हो, रेडियल हेड हो, चाहे वो ह्यूमरस के किसी भी पार्ट का फ्रैक्चर हो, आपने ये बात तो लाजमी लिखनी है कि जब भी आप फॉल करेंगे आउटस्ट्रेच हैंड के ऊपर तो आपका ये फ्रैक्चर जो है वो होगा। अब इसका भी डायरेक्ट उन्होंने ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट में क्या है कि किस किस तरह का जो है वो फ्रैक्चर होता है। एक तो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हुआ है, ओलेक्ट्रिनॉन प्रोसेस है, सिर्फ उसके अंदर जो है एक आप कह लो धड़ाड़ भी है, तो आप किस तरह ट्रीट करेंगे, वही पुराना मेथड है कंजर्वेटिवली, यानी नॉन ऑपरेटिवली ट्रीट करेंगे। स्लिंग पहना के, कॉलर या कफ वगैरह पहना के आप उसको ट्रीट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एंड टू पार्ट इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर आर ट्रीटेड बाय टेंशन बैंड वायरिंग। अब इसके अंदर ये बात थोड़ी सी, टेंशन बैंड वायरिंग जो है ये नया वर्ड आया है, हमने पहले ये वर्ड नहीं पढ़ा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि अब एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है, हमारे जो आर्टिकुलर सरफेस है, ठीक है, जहाँ पे वो आर्टिकुलेट कर रहा है हमारा जॉइंट, जहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, उससे बाहर वाली जो जगह हो वो वाला, या फिर अगर कोई भी ऐसा हो इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हो तो आप उसको किस तरह ट्रीट करोगे, टेंशन बैंड वायरिंग से। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर कोई दो चीज़ जो है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास बॉल पॉइंट है, ये सेंटर से जो है टूट गया है, तो आप ऐसा करेंगे कि एक रबड़ बैंड टाई, अब यहाँ से होल करेंगे ड्रिल मशीन से और एक यहाँ से होल कर देंगे और इसको जो है ना यूं करके ऐसे कर देंगे कि ना ये टेंशन क्रिएट हो, यानी ये जो पार्ट है ना ये जुड़ा हुआ है, ऐसे करके ये जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ से ना कंप्रेसिव फोर्स लग रही हो अंदर की तरफ, जो टूटा हुआ हिस्सा है थोड़ा सा अलहदा हुआ है, तो हमने बैंड लगा देना जिसकी वजह से ये कंप्रेसिव फोर्स लगे, ताकि वो जो टूटी हुई जगह के अंदर जो गैप आया हुआ है वो रिड्यूस हो जाए। ये मैं आपको एक वीडियो से भी बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगी, इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि किस तरह हम लोग टेंशन बैंड वायरिंग करते हैं, ठीक है। आप पहले इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओलेक्ट्रिनॉन का फ्रैक्चर है और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस से हमने ये जो फ्रैक्चर है उसको रिड्यूस करना है, और टेंशन बैंड टेक्निक इसको कहते हैं। एक हम लोग ड्रिल करेंगे होल जो कि 4 to 5 centimeters के डिस्टेंस पे होगा जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ हुआ है। इस होल से हम लोगों ने एक बैंड गुजारना है जिसकी मदद से हम लोग टेंशन प्रोवाइड करेंगे। अब ये बैंड गुजारेंगे और ऊपर प्रॉक्सिमल साइड जो ओलेक्ट्रिनॉन प्रोसेस है वहाँ से के वायर्स इंसर्ट करेंगे। के वायर्स को उसके प्रॉक्सिमल पार्ट से हम लोग बैंड कर देंगे ताकि वो एक हुक बन जाए, और इस हुक की मदद से हम लोग इस बैंड को ऊपर से घुमा कर लेकर आएंगे ताकि एक कंप्रेसिव फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास फ्रैक्चर साइड के ऊपर इंट्रोड्यूस हो। दूसरा मेथड हमारे पास टेंशन बैंड टेक्निक का सेम होता है। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हम लोग जो होल करते हैं, ड्रिल करते हैं, और उसके अंदर हम लोग बजाय के वायर्स के इंट्रामेडलरी नेल को इंसर्ट करते हैं, और इंट्रामेडलरी नेल से जो है हम लोग बैंड को घुमा के लेके आते हैं ताकि कंप्रेसिव फोर्सेज जो हैं वो मिले और जो दो फ्रैक्चर्ड पार्ट हैं वो दोबारा अलाइन हो जाएँ। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये मेथड हम लोग ने ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के लिए करना है, अगर हमारे पास फ्रैक्चर कोई दूसरा है तो हम लोग मेथड भी चेंज कर देंगे। पहले हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं, यह है कम्युनेटेड फ्रैक्चर। कम्युनेटेड फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि हम लोग प्लेट की फिक्सेशन करते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर देखना है कि जो ओलेक्ट्रिनॉन प्रोसेस है वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो गया, फ्रेगमेंटेड पीसेज उसके अंदर हो गए हैं। तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग प्लेट की फिक्सेशन करेंगे, यानी या तो इसके ना दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये हो सकता है कि जो ओलेक्ट्रिनॉन प्रोसेस होता है उसके ऊपर किसका आके टेंडन लगता है, ट्राइसेप का टेंडन लगता है, आपने याद रखना है। जो बूढ़े लोग होते हैं अगर उसके अंदर कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हो जाए तो आपने ट्राइसेप के हेड को डायरेक्ट वो जो टूटी हुई जगह है उसको सारा साफ करके, हड्डी छोटी छोटी जो पीसेज हैं बोन्स के उसको निकाल के आपने डायरेक्ट जो है वो ट्राइसेप का हेड जो है वो बांध देना है अल्ना बोन के साथ, ठीक है ना, और ऊपर वाला सारा हेड निकाल देना है। और अगर आपका ऐसा नहीं हो सकता तो आपने वहाँ प्लेट फिक्सेशन करनी है, यानी आपने वहाँ प्लेट स्क्रूज लगा के जो छोटे छोटे पीसेज हैं उसको जोड़ने की कोशिश करनी है, और आपने ये कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर को ट्रीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर आर्म फ्रैक्चर। फोर आर्म के अंदर कौन सी दो बोन्स आती हैं, एक रेडियस आती है, दूसरी अल्ना आती है, ये दोनों कहते हैं इन्वॉल्व होती हैं जिसका फ्रैक्चर होता है। सिंगल बोन इंजरी कैन अकर, सिंगल बोन इंजरी भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अनकॉमन होते हैं। दीज फ्रैक्चर आर कॉज बाय डायरेक्ट ट्रॉमा टू द बोन और बाय फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड। फिर वही वाली बात आ गई, फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड या फिर आपको डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, दो ट्रीटमेंट है, एक अडल्ट में देखेंगे क्या ट्रीटमेंट है, एक चिल्ड्रन में देखेंगे क्या ट्रीटमेंट, फिर इसकी हम लोग कॉम्प्लिकेशन वगैरह देख लेंगे।
अडल्ट का अंदर क्या ट्रीटमेंट है इसके कि आर यूजुअली डिस्प्लेस, जब भी अडल्ट के अंदर हमारे पास ये वाला फ्रैक्चर होगा फोर आर्म का, वो डिस्प्लेस फ्रैक्चर होगा, हड्डी जो दो उनकी जो कॉन्टीन्यूटी है वो अपनी जगह से हिल के अलहदा हो जाएगी, एंड ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन विद प्लेट्स इज इंडिकेटेड। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, जाहिर है अडल्ट में हुआ तो आपने क्या करना है, ओपन रिडक्शन करके इंटरनली उसको फिक्सेट करना है, प्लेट्स लगा के, स्क्रूज लगा के। प्लेट्स आर अप्लाइड टू द बोथ बोन वाया सेपरेट इंसीजन, यानी दो बोन्स है ना, ये हमारा हाथ है, एक हमारे पास यहाँ पे बोन पड़ी है रेडियस, एक हमारे पास अल्ना बोन पड़ी है, तो आपने एक इस साइड पे कट लगा के करना है, एक इस साइड पे कट लगा के, यानी दोनों जगह पे कट लगा के इंसीजन लगा के आपने अंदर इस इधर भी इंटरनल फिक्सेशन करनी है, अगर इधर भी फ्रैक्चर हुआ हुआ है तो इधर भी इंटरनल फिक्सेशन करनी है प्लेट्स और स्क्रूज के जरिए। अगर हमारे पास चिल्ड्रन है, इन चिल्ड्रन क्लोज रिडक्शन विद अ कास्ट फिक्सेशन कैन बी सफिशिएंट। अब ये चिल्ड्रन में उन्होंने क्यों बात की हुई है इस तरह कि आपने इसको क्लोज रिडक्शन करना है, क्योंकि जो बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा डेंस नहीं होती। डेंस होने का क्या मतलब होता है, इतनी हार्ड या इतनी सख्त नहीं होती, तो उनके अंदर जो फ्रैक्चर होता है वो उनके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो जल्दी हील अप हो जाएं, उनके अंदर ज़रूरत नहीं है कि हम लोग खोलें, कट लगाएं, प्लेट्स और स्क्रूज अंदर फिट करें। उनकी बोन्स वैसी जो है अभी वो डेवलपिंग स्टेज के अंदर होती हैं, अभी वो नरम हड्डी होती है, तो वो खुद ही जो है वो कास्ट फिक्सेशन के ज़रिए ठीक हो जाती है। अब इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ कहीं भी फ्रैक्चर हो उसकी हमारे पास दो तीन कॉम्प्लिकेशन एक जैसी होती हैं। नंबर वन, मैल यूनियन, यानी जुड़े गलत जुड़ेगी, नॉन यूनियन जुड़ेगी नहीं, कंपार्टमेंट सिंड्रोम और री फ्रैक्चर। कंपार्टमेंट सिंड्रोम इसके अंदर क्यों हो जाता है, जाहिर है फोर आर्म वाला रीजन है, फोर आर्म के रीजन के अंदर कितने सारे मसल्स आते हैं, एक्सटेंसर्स के मसल्स आ रहे होते हैं, हमारे फ्लेक्सर्स के मसल्स आ रहे होते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास इतने सारे मसल हैं अगर उस पर कास्ट फिक्सेशन आप कर रहे हो, कास्ट लगा रहे हो उस पर, वैसे भी आपने सर्जरी करके भी आपने जो है वो कास्ट वगैरह लगाया, वैसे तरह पट्टी वगैरह बांधी हुई है, तो जो हमारे पास कंपार्टमेंट है वहाँ पे, जो फेशिया ने जिन मसल्स को डिवाइड किया हुआ है उस कंपार्टमेंट के अंदर प्रेशर क्रिएट हो सकता है और कंपार्टमेंट का प्रेशर राइज कर सकता है, जो लीड कर जाएगा कंपार्टमेंट सिंड्रोम की तरफ, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने ये फोर आर्म फ्रैक्चर देख लिया, दो हम लोगों ने ये देख लिया, रेडियल हेड का फ्रैक्चर और लिक्रेनॉन का फ्रैक्चर। अब हम लोगों ने दो हमने एक जैसे फ्रैक्चर्स देखने हैं, मोंटीजिया फ्रैक्चर एंड गिलीजिया फ्रैक्चर, ठीक है ना, ये हमारे पास दो फ्रैक्चर्स हैं। इसके अंदर दोनों में आपने बात याद रखनी है कि एक हमने एक बोन का फ्रैक्चर होगा, दूसरी क्या होगी, डिसलोकेट होगी। दो है ना, ये दोनों फोर आर्म के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है ना, तो एक बोन फोर आर्म में दो बोन्स हैं, एक रेडियस है एक अल्ना है, तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक जिस तरह मोंटीजिया है इसमें अल्ना का फ्रैक्चर होगा, साथ ही साथ उसके फ्रैक्चर से रेडियस की डिसलोकेशन भी हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास गिलीजिया जो है उसके अंदर क्या होगा कि रेडियस का फ्रैक्चर होगा, साथ ही साथ रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है, ये मैंने डी आर रेडियो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट लिखा हुआ है, इसकी क्या होगी, डिसलोकेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है हमारे पास, सिंपल ये छोटे छोटे ग्राफ में लिखी हुई है, मैं आपको थोड़ी सी इसके अंदर ज़्यादा बात बताऊंगी, वो ये है कि मोंटीजिया के अंदर जब भी फ्रैक्चर होगा तो हमारी पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व गुजर रही होती है पोस्टीरियर साइड ऑफ द प्रॉक्सिमल अल्ना से, तो वो हमारे पास डैमेज होने का खतरा होता है, उसमें हम लोगों ने इस नर्व का खास ख्याल रखना होता है। फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल अल्ना, यानी जो प्रॉक्सिमल अल्ना है वो हमारे पास फ्रैक्चर कर जाएगी विद द डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड इज कॉल्ड द मोंटीजिया फ्रैक्चर, यानी हमारे पास अल्ना जो है वो फ्रैक्चर कर जाएगी, साथ ही साथ रेडियस का जो हेड है वो डिसलोकेट कर जाएगा, उसको हम कहेंगे कि ये मोंटीजिया फ्रैक्चर है। इट इज़ रिलेटिवली अनकॉमन एंड इट अकर ड्यूरिंग फोर्स प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म, उन्होंने बता दिया आगे कि ये बहुत ज़्यादा अनकॉमन है, और ये क्यों होता है, जब आपने फोर्सफुली आर्म को प्रोनेट किया हो या फिर डायरेक्ट ब्लो लगा हो बैक ऑफ द अपर फोर आर्म के ऊपर, यानी ये हमारे पास अपर फोर आर्म है। अब जैसे कि ये हमारे पास फोर आर्म है, फोर आर्म की ये हमारे पास कौन सी साइड है, पोस्टीरियर साइड है, ये हमारे पास इंटीरियर साइड है। अब ये जो हमारे पास नीज़ ये वाली जो साइड है यहाँ पर आके डायरेक्ट ब्लो हो और हमारे पास अल्ना जो है वो इंटीरियरली डिसलोकेट इंटीरियरली फ्रैक्चर होकर इंटीरियर की तरफ मूव कर जाए और साथ ही साथ रेडियस का जो हेड है उसका हमारे पास क्या हो डिसलोकेशन हो जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, मोंटीजिया होता है। और गिलीजी जो फ्रैक्चर होता है उसके अंदर क्या होता है कि रेडियस के अंदर फ्रैक्चर होता है, यानी जो हमारे पास अब ये बात आ रही है डिस्टल साइड ऑफ द फोर आर्म, ये मेरी डिस्टल साइड है जहाँ पे रिस्ट बनती है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रेडियस जो है वो फ्रैक्चर करेगी, साथ ही साथ रेडियो अल्नर जॉइंट जो है उसकी डिसलोकेशन हो जाएगी। इट इज़ अ फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस यूजुअली एट द जंक्शन ऑफ द मिडल एंड द लोअर थर्ड, या तो दरमियान से या तो लोअर थर्ड, विद द डिसलोकेशन ऑफ द
डिस्टल अल्ना, यानी डिसलोकेशन किसकी हो रही है, डिस्टल अल्ना की, या फिर आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि ये डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर होता है जिसके अंदर डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट जो है वो डिसलोकेट कर जाता है। इट ऑफन अकर ड्यू टू फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड। और ये जो मैंने इसकी जो लिखी हुई है बिल्कुल प्रिसाइज पोजिशन है, जैसे हमारे पास प्रोनेटस क्वाड्रेटस है, ये बैंड की तरह हमारे पास मसल होता है, इसके प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर जो है वो हमारे पास फ्रैक्चर होता है। ने कूलीज फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर पढ़ना है और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं।